सीतक बता चुका हूँ मैं, ये तीन सवाल बता चुका हूँ, अब ये वाला बता रहा हूँ। 23 और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, दशमलव प्रसार में आपको लिखना है। तो क्या करेंगे, देखो इसको अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है 23 अपॉन, ये कितने बार है, दो तीन बार है। देखो 1 2 3, और 5 कितने बार है, 2 बार, 1 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये तो हमारे पास है इतना, तो ये देखो दो इसके और इसके, देखो इससे 10 आ जाएंगे, देखो 2 5 10, 2 5 10, 1 2 के साथ में 5 1 चाहिए, 1 5 का गुणा कर दो। ये अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं, इस 5 का गुणा हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो ऊपर भी करना पड़ेगा गुणा, ठीक है। अब देखिए, अब सॉल्व हो गया आपका, 5 का इधर करो, 5 3 15, 5 1 8 लाई, 5 9 10 11, और अब ये कितने, 3 3 बार है, तो 10 3 बार लिख दो, 1 2 3, और इसके बाद 15 बटे, देखो कितने जीरो आएंगे, 3, फिर 3 अंक बाद दशमलव, 1 2, तीसरा अंक ये हो जाएगा 3 अंक बाद दशमलव। इस तरह से आप कर सकते हो। और मैं एक सवाल और बता देता हूँ, क्योंकि ये डी के बाद ये भी आ जाएगा इसी में। तो देखो 6 बटे 15 है, ठीक है, दशमलव निरूपण आपको करना है। देखो यहाँ पे 15 में 5 3 15 होता है, ठीक है, तो इसको फैक्टराइज अगर करोगे आप, तो 6 को 2 3 6, और यहाँ 5 3 15, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बटे 5, तो 5 2 10 होता है, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 2 4 और 5 2 10, तो 1 अंक बाद दशमलव, 0.4 आ गया। अब ई के बाद एफ भी कर लो हल, 35 बटे 50, ठीक है। 50 को आप कैसे हल करोगे, 5 दाम 50, 5 2 10, 2 1 2, तो 50 का जो हल है वो क्या आएगा, देखो 5 गुणा 5 गुणा 2, और 35 है यहाँ, इसका तो 10 आ जाएगा, 5 के साथ 1 2 और चाहिए, तो यहाँ पे 2 का इंटू कर दो, यहाँ पे भी 2 का इंटू कर दो, तो अब 2 35 2 70, और यहाँ पे देखो 2 बार 5 है, तो 2 बार 10 लिख दो, ठीक है, तो 70 बटे 10 दाम 100, ठीक है, 0 से 0 काट दो, तो एक एक जीरो है नीचे, तो दशमलव 7 बचेगा, 0.7 आंसर, ठीक है। तो ये अब नोट कर लीजिए आप। हाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे 115 लिखा था, मैं जल्दबाजी में जो है गलती से 15 लिख गया है, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये ठीक है, यहाँ पे 115 की जगह 15 लिखा रह गया था, तो 115 है, तो 115 है, तो यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव आएगा, तो ऐसे आएगा 1 2 3 अंक बाद दशमलव, अभी ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, मैं करेक्ट करा दी। चलिए अब लिख लीजिए इसको।